हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो 3 बज गए हैं और अभी मैं थोड़ी देर लेट गई थी, बस अभी उठी हूँ। और ये पतला सा जो बेड शीट है वही ओढ़ के सो गई थी, क्योंकि है ना रजाई में तो आजकल मतलब अच्छे से वाली तेज़ धूप निकल रही है और रजाई में गर्मी सी लगनी स्टार्ट हो गई थी। रात को बहुत गर्मी लगती है रजाई में, क्योंकि मोटी है और उसके ऊपर कवर भी है गर्म, तो फिर रजाई में तो गर्मी लगेगी। तो मैंने ना उसको उठा दिया था आज, और कंबल निकाल ले हैं। कंबलों को बाहर धूप में सुखा रखा है। अब फरवरी तो कंबल ही ओढ़ेंगे, फिर उनको भी वॉश करके रख देंगे। और रजाई को ना मैं धूप लगवाऊंगी कल, और उनको भी रख दूंगी मैं। ये देखिए मैंने स्टोर में रखी हैं, आज तो यहाँ पे रखी हैं। कंबल मैंने धूप में डाले हुए हैं बाहर, अच्छी खासी धूप निकल रही कई दिन से, बहुत बढ़िया वाली। बेटा स्कूल से आने वाला है अभी, और ये कंबल डाल दिए हैं धूप में, क्योंकि अब तो कंबल ही ओढ़ेंगे फरवरी तो। और ये शक्कर सुखा रखी है, धूप लगानी ज़रूरी है। ये अभी ली थी, गुड़ और शक्कर लिए थे, तो धूप में रख रखी है, क्योंकि सिली सी थी ये, गीली गीली सी, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगी, तो मैंने इसको थोड़ा सा धूप लगा देंगे आज। और ये बेटा गाजर पाक खाया था उसने अभी, और अभी ट्यूशन के लिए तैयार हो रहा है, ट्यूशन पर जा रहा है। 3 बजे स्कूल से आता है, फिर 3:30 बजे ट्यूशन चला जाता है। तो बच्चों का तो यही है, बिजी शेड्यूल चलता है। और ये उसकी ड्रेस आज वॉश करनी है, क्योंकि मैं शनिवार को मैंने वॉश नहीं की थी, मैं गांव चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज वॉश कर देंगे। तो वो चला गया था ट्यूशन पे, तो अभी मैं करूँगी। उससे पहले ना मैं अपने लिए दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि भूख सी लगी हुई थी। मेरा फास्ट था आज, मंडे है ना आज, तो दूध निकाल लिया है। चाय तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि चाय से मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, बस मैं एक टाइम की पीती हूँ। तो दूध कर लेती हूँ, हल्दी डाल के थोड़ा सा। तो दूध गर्म हो गया था, डाल लेती हूँ। और शक्कर डाल के दूध पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो सर्दियों में हम शक्कर डाल के ही पी रहे हैं दूध को, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि चीनी वगैरह डालते हैं तो काफ़ी नुकसान करता है। तो शक्कर वाला दूध बहुत अच्छा होता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शक्कर वाला दूध। तो आप अपने बच्चों को शक्कर डाल के दूध दे सकते हो, काफ़ी हेल्दी रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है सर्दियों में। गर्मियों में भी डाल सकते हो बच्चों के। तो बस मैंने शक्कर डाल ली थी, और मैं इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं पीती हूँ, मतलब कम ही पीती हूँ, मीडियम सा ही रखती हूँ, चाय हो या दूध हो मीडियम ही पीती हूँ। और उसके साथ मैं ये तिल का लड्डू है, तिल का लड्डू ले लूँगी, क्योंकि बिना मतलब अन्न नहीं था इसमें, तो तिल थे और गोंद वगैरह था। फरवरी है, 14 फरवरी, वैसे तो वैलेंटाइन डे बोलते हैं इसको, 14 फरवरी वाले दिन वैलेंटाइन डे होता है, लेकिन इंडिया में है जो है इसको ब्लैक डे के नाम से बोला जाता है, ब्लैक डे बोलते हैं 14 फरवरी को। क्योंकि क्यों बोलते हैं ब्लैक डे, क्योंकि इस दिन जो है पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, और इसलिए इस दिन को काला दिन बोला जाता है। मतलब उस दिन को ना कोई भी नहीं भूल सकता, हर भारतवासी को, हर इंडियन को ये दिन याद होगा। तो विस्तार में तो अगर बताने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो विस्तार में तो नहीं बताऊँ। वैसे सबको ही पता है कि क्यों बोला जाता है इस दिन को काला
डे, ब्लैक डे। तो बहुत दुख होता है जब ये दिन आता है थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं किस किस के बेटे, किस किस की मांग का सिंदूर, किस किस का भाई उस दिन शहीद हुआ था। तो बस मैं अपना ये दूध और लड्डू इंजॉय कर लेती हूँ। तिल के लड्डू है ये। वैसे तो आज मेरा फास्ट मंडे है, लेकिन इसमें अन्न नहीं होता तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई थी। मैं खा लेती हूँ दिन में एक बार, फ्रूट खाऊं या फिर ऐसी चीज़ें होती है जो गाजर पाक वगैरह जिसमें अन्न नहीं होता वो मैं खा लेती हूँ। तो दूध पीने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। बेटे की ड्रेस थी, एक की ड्रेस थी, बाकी मेरे कपड़े मेले नहीं थे क्योंकि मैं साथ के साथ धो लिए थे इस बार। गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर हाथ से ही धो लेती हूँ। किसी दिन चादर वगैरह होती हैं, तौलिए वगैरह होते हैं तो मशीन लगा लेती हूँ, तो गर्मियों में हाथ से ही बहुत अच्छे हो जाते, मतलब क्योंकि धूप भी अच्छी निकलती है गर्मियों में और टाइम भी बहुत होता है हमारे पास, बड़े बड़े दिन हो जाते हैं तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ ज़्यादातर गर्मियों में। तो और ज़्यादा मैली नहीं थी ये, क्योंकि दो तीन दिन में बस धोनी ही पड़ती है। और ये भी नहीं है भाई तीसरी ड्रेस लगती हो, कई कई स्कूलों में क्या होता है दो दो ड्रेस लगती हैं, एक वाइट भी लगती है, तो इनके स्कूल में बस पूरे वीक ये एक ही ड्रेस लगती है। तो मैंने ये वैसे है उसके पास दो शर्ट हैं और दो पैंट हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आज इसको धो ही देती हूँ। सूख जाएगी ये कल तक अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकल रही है अब तो कई दिन से, और सर्दियां बस जाने ही वाली हैं थोड़ा सा, मतलब फरवरी हो रही है बस ये हाल रहा तो, क्योंकि सूरज को एक धूप देने निकलती अच्छी खासी, तो सर्दियां तो मानो चली ही गई हैं बस, जो शाम की रहती है बस थोड़ी बहुत, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है बस। शाम के 7 बज चुके थे, पूरे 7 बजकर 5 मिनट आगे है ये, वैसे पूरे 7 बज चुके हैं। और ये शक्कर को ना मैंने अंदर रख दिया था अभी, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी तो मैं सुबह उसमें डब्बे में डाल दूँगी इसको। बस एक दिन की धूप काफ़ी थी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी ना, अगर कम धूप होती फिर तो मैं 2-3 दिन लगवाती, धूप बहुत तेज़ थी तो बस एक दिन ही काफ़ी थे। तो ठंडी हो जाएगी सुबह तक ये, तो फिर मैं इसको डब्बे में सुबह डाल दूँगी। और मैंने आटा लगा लिया था, मैंने मक्की का आटा लगाया है, आज मैं मक्की की रोटी बनाऊँगी और पालक पनीर की सब्जी है उसके साथ। तो ये सब्जी मैंने ना मॉर्निंग में ही बना ली थी, बिना प्याज और बिना लहसुन की है ये, मैंने इकट्ठी बना ली, मॉर्निंग में ही बना ली थी क्योंकि बेटा स्कूल जाता है, लंच भी लेके जाता है वो, तो मैंने मॉर्निंग में सोचा चलो शाम को भी यही काम आ जाएगी। और ये दूध निकाल दिया मैंने फ्रिज से बाहर, थोड़ी देर पहले बाहर निकाल देना ही चाहिए, वैसे मेरे बहुत कम याद रहता है, उनमें से थोड़ी देर पहले बाहर निकाल देना चाहिए। तो बस मैं मक्की की रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी मैंने, तो मैं बना लेती हूँ घी लगा के, कुछ लोग पानी से भी बना लेते पानी लगा कर, लेकिन मेरे को पानी से नहीं बनती, मैं घी लगा के ही बनाती हूँ, घी लगा के और फिर आराम से उसको, तो अच्छे काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। बाजरे की भी बना लेती हूँ और मक्की की भी, और देखिए कितनी अच्छी गोल रोटी बनी है मक्की की, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। आ जाओ
मक्के की रोटी खा लो, गरम गरम बन गई हैं एकदम से। गरम गरम रोटी तो बहुत पसंद है। और ये लास्ट वाली ना मैंने थोड़ी सी टाइट कर ली, क्योंकि मैंने टाइट रोटी बहुत पसंद है, थोड़ी थोड़ी टाइट बहुत अच्छी लगे हैं। आप भी खा के देखना, कोई कोई खाता भी होगा, लेकिन जो नहीं खाता ना वो खा के देखना, बहुत अच्छी लगती है लास्ट वाली टाइट रोटी। मैं तो हमेशा टाइट ही करके खाती हूँ, देखना। तो रोटी बन गई है सारी, भूख भी बहुत लग रही है क्योंकि आज फास्ट है ना, तो व्रत है और टाइम 7:30 हो गए हैं। दी है प्लेट पालक पनीर की सब्जी, रोटी, सलाद, मूली और गाजर का और हरी मिर्ची। तो मन तो लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। आ जाओ जिसको खानी है तो फटाफट से। और बेटा गया हुआ है, एक उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो उसकी बर्थडे में गया हुआ है। आज मैं अकेले ही खाऊंगी, अपने लिए ही बनाई है, वो भाग गया मुझे छोड़ के, तो अपने लिए ही बनाई है। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ रही हूँ मैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो व्लॉग तो आप लोग पूरा नहीं देखते हो यार, मुझे पता है पूरा नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता है पूरा, तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो। उसके तो बिल्कुल फ्री है वो, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, ताकि हम सबकी भी हिम्मत बढ़े और हमारा भी मन करे डेली वीडियो डालने का, डेली व्लॉग बनाने का। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मैं अपना खाना खा लेती हूँ, तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप और आपकी फैमिली, आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हर बीमारी से बचे रहें, आपके घर में सुख सुविधा परिपूर्ण रहें। तो बाय बाय, टेक केयर।